नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल सांगवान पर। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, देखेंगे कैसे इसको असेंबल करना है, कैसे नहीं करना, क्या ये लेना बेनिफिशियल है या नहीं है, या एक क्या कॉस्ट है इस प्रोडक्ट की, कहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे आप लोग देख के जाएंगे, समझ के जाएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। और हाँ, ऑलरेडी आप थंबनेल से पता कर पा रहे होंगे कि किस चीज़ के बारे में ये वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं, इस प्रोडक्ट की हम अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को दिख गया होगा। तो इस प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली हम देखेंगे, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है, फटाक से अनबॉक्सिंग करते हैं। आराम से इसके कपड़े यहाँ से निकाल देते हैं हम सारे के सारे, यहाँ से मैं चाकू से कट कर देता हूँ इसको। एंड पैकिंग अच्छी की हुई है इन्होंने बेसिकली। ये लीजिए भाई, यहाँ पे ये बिलिंग वगैरह का कुछ है, बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। ये यहाँ पे इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं। ओहो, पहले पैकिंग अच्छी की हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा साफ साफ प्रोडक्ट का नाम क्या है, कूविंग्स है बेसिकली ये, ठीक है। कूविंग्स होल स्लो जूसर है ये, इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या क्या आपको इसके साथ में मिलने वाला है। और ये जो है बी सीरीज़ है आपकी, बी 1700 सीरीज़ है, ठीक है। कैसे काम करता है, क्या बेनिफिट्स हैं, कितने का मिलने वाला है, कहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम, फिर देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है। ये अनबॉक्सिंग फटाक से कर दी हमने, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है, तब पता लगेगा कैसे इसको असेंबल करना है, क्या क्या इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। ये लीजिए भैया, अब मैं यहाँ इसको निकाल रहा हूँ, बहुत हैवी है। मैं अपने एक क्रू मेंबर को कहूँगा इसको निकलवाने की हेल्प करें, मेरे नीचे वाले बॉक्स को पकड़ के रखे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है यहाँ पर। ओ भाई, ये है भाई हमारा सामान जो उस बॉक्स के अंदर था, ठीक है। देखते हैं क्या है इसके अंदर। लो जी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना अच्छा, मतलब जूस वगैरह बनाने की कुछ मशीन है ये, ठीक है। इसको बताएंगे हम क्या है, बेसिकली ये स्लो जूसर है, कोल्ड प्रेस जूसर है, कूविंग्स बी 1700। यहाँ पे देख रहे होगे, ये आपने देख ही लिया होगा प्रोडक्ट क्या, बेसिकली इसको मैं असेंबल करना सिखाऊंगा, जूस किस चीज़ का आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको ओपन करते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। लीजिए, पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, ब्रीफकेस की तरह लग रहा है ये। ओके, वो क्या बात है भाई, पैकिंग देख लो कितनी ज़बरदस्त वाली पैकिंग की हुई है। और यहाँ पे ग्रीन एप्पल इन्होंने बना रखा है बाहर, कि आप ग्रीन एप्पल का जूस भी बना सकते हैं उससे, ठीक है। चलो यहाँ पे निकालते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। ये इसके अंदर एक फर्स्ट बॉक्स है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है, नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट नंबर बॉक्स है कूविंग्स, यहाँ लिखा हुआ है। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इसके, इसको यहाँ रख देते हैं। एंड दिस इज़ द सेकंड बॉक्स आई एम गेटिंग आउट फ्रॉम। ये पहले इसको निकाल देता हूँ, कुछ थर्माकोल वगैरह है यहाँ पे, ये कुछ चीज़ें हैं इसके साथ में, सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे आप लोगों को। ये सेकंड नंबर बॉक्स है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है कूविंग्स का, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं इसके ऊपर, आई होप दिख रहा होगा आपको। और फाइनली ये हमारी बहुत ज़्यादा हैवी मोटर है, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा इसके ऊपर रैपिंग कर रखी है, इसलिए थोड़ी सी ये इजी नहीं है निकालनी, बट आई एम ट्राइंग टू गेट इट आउट फ्रॉम दिस। लीजिए भैया, ये है हमारी कूविंग्स की, ये मैं बॉक्स खाली हो गया है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ब्लैंकेट ही का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इसको नीचे रख रहा हूँ। ये है भाई हमारी, ये लो। अब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक बार रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, दिस नंबर 1, नंबर 2, ये ऐसे ही थर्माकोल था, इसको यहाँ रख देते हैं। एंड दिस इज़ अवर जूसर, ये है, ठीक है। ये कुछ बुकलेट्स वगैरह हैं, पहले इन्हीं को देख लेते हैं हम। यहाँ पे इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है कि भैया लेट्स गेट स्टार्टेड, कैसे आपको असेंबल करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पीछे
कुछ चीज़ें दी हुई इन्होंने, क्या क्या इसके साथ में आपको मिलेगा और किस किस चीज़ का आप जूस यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, साइड में रख देते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये रेसिपी बुक इन्होंने दी हुई है, क्विंग्स जो है, क्विंग्स इंडिया, इन्होंने एक रेसिपी बुक दी हुई है। नंबर ऑफ़ रेसिपीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ये इसके अंदर कुछ बिलिंग वगैरह है मेरे हिसाब से, इसको देखते हैं क्या है। ओके, हाँ ये बेसिकली बिल है, मैं आपको बताऊंगा ये कितने का मुझे मिला है बाद में, ठीक है। इसको लास्ट में देखेंगे हम कितने का ये हमें पड़ा है। चलिए, ये रेसिपी बुक है, इसको बाद में देखेंगे क्या क्या रेसिपी है, क्या क्या जूस बना सकते हो आप। ये इसकी मैनुअल है भैया, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कैसे आपको इसको यूज़ करना है, क्या कुछ करना है, ये भी हम बाद में देखेंगे। इसको भी यहाँ रख देते हैं हम। ये इसके यहाँ पर कुछ ऑल इंडिया ऑफिसेज़ हैं, ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर, कुछ ही ऑफिसेज़ हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, गिने चुने ऑफिस हैं, ज़्यादा नहीं है। बट चीज़ बड़ी अल्टीमेट है, ये मैं दिखाऊंगा, ये बता रखा है हाउ टू असेंबल, असेंबल कैसे करना है इसको, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, ये एक ग्रीटिंग्स है आपके लिए, ठीक है, आपको ग्रीटिंग्स दी है इन्होंने कि आपने क्विंग्स का जूसर खरीदा है तो उसके लिए ग्रीटिंग्स है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को पहले, ये जो क्विंग्स की जो मशीन है ये एक कोल्ड प्रेस जूसर का काम करती है, बेसिकली स्लो मशीन है ये, धीरे धीरे चलती है और ये प्रेस करके जूस निकालती है, ठीक है। जैसे आपके दूसरे सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स होते हैं उनके अंदर आपने डाला घुर्र करके वो जूस निकाल देता है, बट ये स्लो टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे जूस को निकालती है, ऐसे निचोड़ती है उसको बेसिकली, ये घुर्र जल्दी से ग्राइंड नहीं करती, इजी वे में उसको ऐसे प्रेस करके जूस निकालती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी है बेसिकली, ठीक है। तो ये है इसका जूसर, पहले इसी को मैं निकाल देता हूँ, इसकी रैपिंग, ये देखिए बड़ा कलर बड़ा अच्छा है इसका, अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर अच्छे से, ये देखिए बहुत अच्छा कलर है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्विंग्स की ब्रांडिंग है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं दिस इज़ क्विंग्स ब्रांडिंग, और यहाँ पे ये इसके ये ऑन और ये रिवर्स करने का, ये न्यूट्रल का, ठीक है। चलो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ एक बार साइड में, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है, ठीक है। चलो पहले बॉक्स ओपन करते हैं, बॉक्स में क्या है, ये क्विंग्स का फर्स्ट बॉक्स है जो इसके साथ में आपको मिलेगा। इसको ओपन कहाँ से करना है, यहाँ से ही ओपन हो जाएगा बॉक्स आपका, दिस वे। हेलो भैया, ये है बॉक्स, सबसे पहले बॉक्स में ये दो हैं चीज़ें, क्या है ये, आई थिंक जार हैं दो जो आपको इसके साथ में मिलने वाले हैं, एक जूस कलेक्टर के लिए, एक पल्प कलेक्शन के लिए, ये बेसिकली जूस कलेक्शन के लिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कितना कप, टोटल 4 कप आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, मतलब 1000 ml तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं जूस। एंड सेकंड ये है पल्प कलेक्शन करने के लिए, ठीक है, जो डस्ट वेस्ट वगैरह होगा फ्रूट्स का उनको इसमें कलेक्ट करने के लिए, बेसिकली ये दो यहाँ मैं रख देता हूँ। और ये है इसके अंदर एक और क्या है ये, ओके, ये है भाई इसका, काफ़ी हैवी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे इसकी, बहुत हैवी है वेट में। ओके, ये देखते हैं, ये मेरे हिसाब से ऐसे लगने का, ये प्रेस करेगा और इससे बने, काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हैवी है, क्रश करने के लिए यूज़ आएगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये एक ब्रश दिया हुआ इन्होंने साफ़ करने के लिए इसको, ठीक है। रेस्ट ऑफ दी थिंग इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है, खाली हो चुका है, और ये भी खाली है, इनको इसमें डाल के मैं नीचे रख देता हूँ आप लोगों के सामने से। दूसरे वाला बॉक्स अब हम देखते हैं, सेकेंड बॉक्स इसके अंदर क्या है देखते हैं, लेट्स गेट ओपन इट। ओके, ये कुछ दो जार हैं यहाँ पे, ये दो जार हैं, ये यहाँ पर रख देता हूँ आपके सामने, ये है एक, इसको निकाल लेते हैं, एंड दिस वन, और बाकी बॉक्स में कुछ भी नहीं है, ताकि मैं बॉक्स को नीचे रख दूँ इसलिए खाली है, ठीक है। ये है भाई, इसको निकाल लेते हैं, हाँ ये इसकी फीडिंग ट्यूब है बेसिकली, जो इसके ऊपर लगेगी, जो आपने स्टार्टिंग में पिक देखी थी जो बॉक्स के ऊपर थी वो है, और ये आपका जूस कलेक्टर है मेरे हिसाब से, हाँ ये जूस कलेक्शन करने के लिए बेसिकली ये मिल रहा है आपको। और ये हमारे रह गए थे दो कुछ आइटम्स हैं ये भी साथ में, एक ये चीज़ है और एक ये आपका प्रेस करने के लिए ये दिया हुआ है इन्होंने। तो बेसिकली कुल मिला के आपको ये सब मिलता है, मैं यहाँ पर इन सबको सेट करके दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं आप लोगों को अगर आप ये कोल्ड प्रेस जूसर लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई,
ये आपका जूसर है, ठीक है, ये फीडिंग ट्यूब है, ये जूस कलेक्टर करने के लिए है बेसिकली, ये प्रेस करने के लिए, इसको हम ऑगर बोलते हैं, ऑगर, ठीक है, इसको फिट करना है, यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे करना है। ये जूस स्ट्रेनर है, यहाँ से जूस छनके आएगा बेसिकली, ये आपका इसको साफ़ करने के लिए है, ये इसको भी बताऊँगा कैसे यूज़ करना है, ये इसके ऊपर लगने वाला है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको असेंबल करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैं बताऊँगा साथ के साथ में। ये चीज़ें यहाँ रख देते हैं हमारा, ये भैया ये जूसर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। केबल बड़ी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख पा रहे हैं कलर, काफ़ी कलर मिलते हैं, ब्लैक भी मिलता है, रेड भी मिलता है, मतलब प्रीमियम फील हो रहा है, क्योंकि भाई पैसे ज़्यादा लगेंगे तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली फील होएगा। तो सबसे पहले हमें ये लगाना होता है यहाँ पे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड डॉट दी हुई है, तो इसको नॉर्मली आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लग जाए, ऑटोमेटिकली फिट हो गया ये। अब क्या करना है आपको, उसके बाद में ये जो जार है यहाँ पे आपको देख रही होगी रेड डॉट है, इसके ऊपर भी रेड डॉट मैंने दिखाई थी, और ये जो चीज़ है ये अलग से मिलेगी आपको। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, ये जो जार है इसके अंदर से फिट करना है, कैसे भी फिट कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, बस इसके अंदर ये जार डाल देना आपको। अब ये जो रेड पॉइंट है और ये जो यहाँ पे मैंने इसमें दिखाया था, ये जो रेड पॉइंट है, ठीक है, इस रेड पॉइंट को इस रेड पॉइंट के सामने आपको ऐसे रखना है, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा जैसे आप इसको रखोगे, ये लॉक हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ये है ऑगर, ठीक है, इस ऑगर को इसको पकड़ना है और इसमें ऐसे डाल देना है यहाँ पे, बेसिकली कैसे भी डाल सकते हो, डाल के एक बार आपको बस ऐसे रोटेट करना है, ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा इसके अंदर। अब आप देख रहे हैं कि ये फिट हो चुका है अपने आप ही, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देंगे ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। एंड द फाइनल स्टेप इज़ दिस, दिस इज़ द फीडिंग ट्यूब, मतलब इसके अंदर आप पूरा एप्पल भी डाल सकते हो, ऑरेंज भी डाल सकते हो, पालक भी, पुदीना भी, धनिया भी, आंवला भी, हर किसी का जूस आप निकाल सकते हो। यहाँ पे भी रेड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये रेड डॉट और ये वाले जो रेड डॉट है इन तीनों को मैच करना है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे ये तीनों रेड डॉट मैच हो जाएंगी, तो आप इसको ऐसे मैच करके इस तरह वैसे कर दीजिएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये क्लोज़ हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है क्लोज ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे करोगे ओपन होके निकल जाएगा, ऐसे लगा के ऐसे क्लोज कर दो, क्लोज हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बेसिकली ये हमारा प्रेसर है, यहाँ पे भी आपको पॉइंट मिल जाएगा, वाइट डॉट है यहाँ पे, और इसके ऊपर भी यहाँ पे वाइट डॉट है, अगर आप देखेंगे दिस इज़ वाइट डॉट, ठीक है, ये वाइट डॉट से मैच करना और ये इसके अंदर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा असेंबल करने का, और ये जूस कलेक्टर है बेसिकली, आपको जूस कलेक्टर यहाँ पे लगाना है इसके, ये फीडिंग ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे ये पील वाला आपको इस साइड में लगाना है। बेसिकली करना कुछ नहीं है, अब इसको आपको स्टार्ट करना है, और इसका जूस आप निकाल सकते हैं हर चीज़ का, यहाँ पे इसको बंद भी कर सकते हैं अगर आप मिक्स फ्रूट्स का जूस निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसमें एप्पल डाला है, ठीक है, एप्पल का जूस निकाल रहे हैं, उसके साथ में ऑरेंज भी निकाल रहे हो आप, पालक का भी निकाल रहे हो, पुदीना, सब कुछ यहाँ पे डाल के इसको बंद कर दीजिए, यहाँ पे जूस कलेक्ट होता रहेगा इसके अंदर और मिक्स होता रहेगा ऑटोमेटिकली। जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 400 ml तक, यहाँ तक कलेक्ट करके आप इसको ओपन कर दीजिए, सारा यहाँ पे जूस आपका कलेक्ट हो जाएगा और पल्प जो होगा वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी देर में जूस निकाल के दिखाऊंगा इसको, फिर जूस निकालने के बाद ही हम साथ में आपको इसको डिसमेंटल करना भी बताएंगे कि कैसे इसको आप डिसमेंटल कर सकते हैं और कैसे इसको क्लीन करना है। बेसिकली क्लीनिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है इनकी, क्विंग्स की, ज़्यादा वो नहीं लगता, ईजिली आप इसको क्लीन कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ किस किस का जूस ये निकाल सकता है। देखो एक होता है कोल्ड प्रेस जूसर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्ड प्रेस होल स्लो जूसर, इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल जूस निकालते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स होते हैं उसमें नॉर्मल जूस निकालते हैं, तो वो जो जूस होता है वो हाई टेम्परेचर पर निकलता है, जो उसके न्यूट्रिशंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बट यहाँ पे कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली जैसे आपने कोई भी फ्रूट डाला तो उसको ये प्रेस करके स्लो प्रोसेसिंग से जूस निकालता है, स्लो प्रोसेसिंग से जब जूस निकलता है तो जो उसके न्यूट्रिशंस है वो बने रहते हैं, मतलब 48 आवर्स तक ये जूस बिल्कुल प्योर है, आप इसको 48 आवर के अंदर कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, दिस इज़ दी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जूस, ठीक है। चलिए अब इसका मैं आप लोगों को जूस निकाल के दिखाता हूँ कैसे आपको इसको जूस निकालना है, चलो चलते हैं, गेट सेट गो। चलिए तो हम अब निकालते हैं जूस, इससे पहले हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको एक साफ पानी से इसको आप ऐसे क्लीन कर लीजिएगा एक बारी, पानी डाल के इसमें नॉर्मल क्लीन वाटर है, ठीक है, ऑन कर देता हूँ मैं इसको यहाँ से, यहाँ से स्विच ऑन करके आपको, ये मैं यहाँ से स्विच ऑन कर रहा हूँ इसका, ठीक है, कनेक्ट करके इसको नॉर्मली ऑन कर लीजिएगा, इसे ऑन हो गई है, और इसमें एक साफ पानी डालना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, तो एक बार क्लीन कर लीजिएगा, पानी डाल के नॉर्मली ऐसे ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी ये। आप देख रहे हैं यहाँ से पानी निकल रहा है इसका, जहाँ से पील निकलता है वहाँ से पानी निकल रहा है, और यहाँ पे पानी स्टोर हो गया, इसको यहाँ से ओपन कर दीजिएगा, ये पानी क्लीन कर लिया अपने आप को, ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज़ से पहले
आप इसको क्लीन कर लीजिएगा। ये मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ये सारा पानी यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली एक बार अपने आप को क्लीन कर लेगी साफ़ पानी से, फिर हम जूस निकालेंगे अपने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ ताकि पानी मैं निकाल दूँ यहाँ से आराम से। चलिए, मैंने इसको क्लीन कर लिया है, अब हम निकालेंगे जूस यहाँ पे। आज बेसिकली जो जूस निकालूंगा मैं, घिया का निकाल के दिखाऊंगा आपको। घिया जो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है, पुदीना जो मिंट लीव होती है उनका, और जो ग्रेप्स होते हैं हरे अंगूर या, और एक ऑरेंज का जूस निकालूंगा। तो मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ का जूस ये निकाल लेती है, पालक का, पुदीने का, आप किसी भी फ्रूट का, किसी भी वेजिटेबल का जूस इससे निकाल सकते हैं। मैं आपको पहले ऑरेंज का जूस निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको और अंगूर का निकालूंगा, और फिर पुदीने का निकाल के दिखाऊंगा, और लास्ट में हम घिया का निकालेंगे। आप इसको मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, आपको कुछ नहीं करना, ऑरेंज लेना है बेसिकली। ये मैंने ऑरेंज लिया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो ये ऑरेंज है, हाफ मैंने लिया है यहाँ पे, पूरा का पूरा आप हाफ का हाफ यहाँ पे इसमें से डाल सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे ये अपने आप उसको, ये देखिए यहाँ पे क्रश करके जूस यहाँ पे स्टोर होता रहेगा। यहाँ मैंने इसको कैप को बंद कर दिया, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जूस आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल प्योर जूस निकालती है बेसिकली ये। फिर मैं ऑरेंज डाल रहा हूँ दोबारा इसके अंदर, एक और ये ऑरेंज डाल दिया। यहाँ से साइड से पील निकल रहा है आपका, ये देखिए। ठीक है, वो एक बार के लिए पानी निकलेगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में वाटर डाला था, इसलिए वो पानी निकल रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे जूस आपका कलेक्ट हो रहा है इसके अंदर, ये जूस कलेक्टर है बेसिकली। और ऑरेंज डाल देते हैं हम इसमें, ये यहाँ पे एक और ऑरेंज हम निकाल डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, इसका इसको हाफ कर लीजिएगा, हाफ करके इसमें डाल दीजिए। ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे स्टोर हो रहा है, देखिए आप देख पा रहे हैं ऑरेंज का जूस यहाँ पे स्टोर हो रहा है बेसिकली। और यहाँ पे पील निकल रहा है, पील काफ़ी मतलब बिल्कुल सूखा हुआ निकल रहा है, कोई रस नहीं है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे ये देखिए बिल्कुल सूखा है, कोई रस नहीं है। ठीक है, सारा जूस इसने यहाँ पे निकाल दिया एब्जॉर्ब करके। और ये फाइनली एक और ऑरेंज मैं यहाँ डालता हूँ, यहाँ पे डाल दिया, इसका भी यहाँ पे ये निकाल देगा अच्छे से जूस। और ये यहाँ पे स्टोर कर रहा है साथ के साथ में। अगर जैसे आपको मिक्स जूस निकालना है, इसके साथ में ये ऑरेंज का स्टोर हो गया, अब कोई और फ्रूट आप डालेंगे उसका भी यहाँ स्टोर हो जाएगा, मिक्स करता रहेगा साथ के साथ में जूस को। अब इसको कलेक्ट करना है तो यहाँ से इसको आप ओपन कर दीजिएगा, सारा जूस इस कंटेनर में आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल प्योर जूस है, बिल्कुल प्योर, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं आपको ग्लास में डाल के दिखाऊंगा, मैंने सिर्फ दो ऑरेंज का जूस निकाला है यहाँ पे। एक बार इसको मैं ग्लास में डाल के दिखाता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, फिर हम आपको फर्दर जूस निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल प्योर है ये, मतलब 2.5 ऑरेंज का जूस है, काफ़ी सारा निकाला है इसने क्वांटिटी, और अच्छा जूस है, बिल्कुल प्योर है ये देखिए। ठीक है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ आपको, फिर मैं ऑरेंज का जो उसका ग्रेप्स अंगूर और पुदीने का जूस निकाल के दिखाऊंगा अब। ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से, पहले ये निकल जाए पूरा। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में अंगूर हैं, कुछ अंगूर के दाने, आप ब्लैक जो ग्रेप्स आते हैं उनका भी निकाल सकते हैं, या ये जो ग्रीन वाले होते हैं इनका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इनका निकाल के दिखाता हूँ आपको, ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर डाल देना है, सारे अंगूर डाल दीजिएगा, यहाँ पर स्टोर होता रहेगा इनका जूस। ये देखिए इनका जूस स्टोर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये सारे मैं यहाँ पे फिर डाल रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके पूरी मुट्ठी भर के भी डाल सकते हो आप, पूरे के पूरे डाल दीजिएगा। ये देखिए पूरा अंगूर का जूस है ये बेसिकली। और यहाँ पे आप पील देखेंगे, अभी अंगूर का पील आना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। और इसके साथ में मिंट लीव, पुदीना जो पत्ता होता है, पुदीने का पत्ता जो होता है, ये देखिए ये पुदीने का पत्ता है बेसिकली, इसको भी मैं डाल दूंगा, इसका भी जूस ये निकाल देगा साथ के साथ में। ठीक है, इसको बेसिकली ऐसे ही डालना है आपको अंदर, पुदीने पत्ते को डाल दीजिए, पूरा जूस निकाल देगा ये। और ये जितने भी अंगूर हैं या पुदीना का पत्ता है, ये सारा का सारा यहाँ पे मिक्स करके डाल रहा हूँ मैं दोनों ही, अच्छे से जूस निकाल देता है ये पूरा, और स्टोर कर लेगा अपने अंदर। लास्ट में इसको हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ ऑलमोस्ट सारा पुदीना पत्ता वगैरह डाल दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जूस स्टोर हो गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ तक दिख रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा इसका अलग, एक ग्लास में निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको अलग से, अंगूर का और पुदीने का जूस। ठीक है, इस ग्लास में निकालता हूँ मैं, ये देखिए बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जूस है ये, अगर आप देखेंगे ये देखिए
ये अंगूर और पुदीने का जूस है, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में अंगूर और पुदीना डाला था तो उस हिसाब से जूस बना है। और बेसिकली हम इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि हम मिक्स जूस बना रहे हैं अभी। ये इसको मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर, ठीक है, ये लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे घिया का जूस निकाल के दिखाऊंगा। जैसे घिया का मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, ये घिया है बेसिकली, मैंने इसको छील लिया और पानी से साफ़ कर लिया। इसको बस यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है, बेसिकली ऐसे डाल देना है। ये अपने आप इसका निकाल देगा जूस और यहाँ पे स्टोर करता रहेगा। आप देखिएगा कितनी लंबी घिया आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं एक और लंबी घिया आप देख पा रहे हैं, तो पूरी लंबी काटी हुई है मैंने ये पूरी, ठीक है। ऐसी कैसी एज इट इज़ पूरी इसमें रख दीजिए आप, ये अपने आप ले जाएगा इसको अंदर। और बहुत अच्छे से ये देखिए यहाँ पे जूस, देखिए घिया का कितना ज़्यादा जूस स्टोर हो रहा है एकदम से। और यहाँ पे पील जो आ रहा है बिल्कुल सूखा हुआ आ रहा है, कोई जूस नहीं है इसके अंदर, कोई रस नहीं है, देखिए बिल्कुल सूखा हुआ है, कोई भी रस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो बड़ी अच्छी यूज़फुल है ये जूसर आप लोगों के लिए, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और एक प्योर जूस पीना चाहते हैं घर में, तो ये बड़ा अच्छा है आप लोगों के लिए। इसकी जो कॉस्ट है बेसिकली ये आपको 20,000 के आसपास का पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे, अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं या क्रोमा से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या कूविंग्स इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है उससे भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अगर घिया का जूस मैं आप लोगों को कंटेनर ग्लास में डाल के दिखाऊँगा अलग से, तो बिल्कुल प्योर जूस है यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा घिया का जूस है, प्योर एंड रिफाइंड जूस, बिल्कुल प्योर नेचुरल जूस है, घर में बना हुआ जूस है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये इसमें मिक्स कर रहा हूँ मैं क्योंकि हमने मिक्स ही बनाना है। और अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं डायरेक्टली कैसे जूस निकलता है, ये देख लीजिए उसमें डाल दें, यहाँ से जूस निकल रहा है, देखिए। आप इसको कैप को बंद कर सकते हैं स्टोर करने के लिए, मिक्स करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये था इसका जूस प्रोसेसिंग का, और लिंक मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार जूस निकाल के हम फिर इसको आपको क्लीन करना बताएंगे कि क्लीन कैसे करना है आपको बेसिकली, ठीक है। तब तक के लिए जूस निकाल लेते हैं, फिर इसको क्लीन करके और डिसअसेंबल करके कि डिसअसेंबल कैसे करना है दोबारा से इसको, और कैसे साफ़ करके इसको वापस रखना है फर्दर यूज़ के लिए, ठीक है। चलो तो अब जूस बना के हमने पी लिया बेसिकली। अब मैं आपको क्लीन करने के लिए बताऊँगा क्लीन कैसे करना है आपको। आपको फिर लास्ट में जैसे जूस आपका बन जाए उसके बाद आपको क्लीन वाटर इसके अंदर डालना है, पूरा का पूरा पोर कर दीजिए इसमें, पूरा डाल दीजिएगा आराम से ऐसे। ये ऑटोमेटिकली अपने आप को क्लीन कर लेता है टू सम एक्सटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर साफ़ कर रहा है ये अपने आप को, देखिए यहाँ से पील और बाहर निकाल रहा है, ये अपने आप क्लीन कर लेगा ये अंदर से, पूरा का पूरा जार वगैरह सब क्लीन हो जाएंगे। एक पानी की गिलास से काम ना चले तो दो डाल सकते हो, तीन डाल सकते हो, जितने में भी क्लीन हो आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए पूरा यहाँ से इसने पील पूरा बाहर निकाल दिया, जैसे मैंने एक गिलास पानी डाला यहाँ पे इसके अंदर, पूरा का पूरा बाहर आ गया। अब क्या करना है बेसिकली, हमें ये यहाँ से ओपन कर देना है, ये जो भी था वेस्ट वाटर है ये बेसिकली ये सारा आ गया। अब यहाँ से आपको मशीन को ऑफ़ करना है, ठीक है, और ये पील यहाँ से साइड में कर दीजिए, इसको हमने साइड में कर दिया, इसको वापस क्लोज करके इसको भी साइड में कर देते हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है आप ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा सेटअप है, आपको यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे उठा लेना है आराम से, पूरा का पूरा सेटअप निकल जाएगा। और जहाँ आपका वॉशिंग एरिया है यहाँ पर रख लीजिए इसको, मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको क्लीन करने के लिए। अब आपको ये जो है, ये जो इसका ऊपर वाला है, इसको ऐसे रोटेट करना है इस तरफ, ये देखिए यहाँ पे ये जो बटन लिखा हुआ है ओपन और क्लोज़ का, अगर क्लोज़ जाके दिखाएंगे, ये देखिए ओपन और क्लोज़ है, ऐसे कर देंगे तो ये क्लोज़ हो गया। अब हमें इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे उठा लेना है इसको, ये पूरा उठा के यहाँ पे रख लीजिए, बिल्कुल टैब रनिंग टैब वाटर के नीचे आपको बस ऐसे करना है, ये सारा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हो गया क्लीन, बहुत ईजी है साफ़ करना, क्लीन हो गया, यहाँ साइड में रख देते हैं हम। अब दूसरा ये जो है ओगर आपको निकालना है यहाँ से, इसको भी ऐसे आपको जैसे इसको पकड़ के ऐसे खींचना है ऊपर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, ये पूरा आ गया, इसको रनिंग टैब वाटर के नीचे, ठीक है, ये हो गया, ये भी क्लीन हो गया, कितना इजी क्लीन करना, ठीक है। बस इसमें जो फिर इसको निकाल लीजिए, ये पूरा का पूरा ऐसे जार आ जाएगा ऊपर की तरफ, इसको निकाल लीजिए। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको क्लीन करना है। रनिंग वाटर के नीचे तो आप ऐसे करेंगे सारा ऑलमोस्ट क्लीन हो जाता है, लेकिन जो स्टेनर है उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने, ये क्लीन हो गया आपका ये पूरा जार, ये वाला क्लीन हो चुका है हमारा, इसको अलग से रख लीजिए। स्टेनर को क्लीन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ये जो हमें मिला था ये वाला, ये मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है, ये जूस स्टेनर है, इसको इसके अंदर ऐसे फिट करना है आपको बेसिकली, ऐसे फिट करना है और पानी की पानी चला देना है, इसको ऐसे रोटेट करते चलेंगे आप, ऐसे ऐसे करना है आपको,
बस इसको रोटेट करते चलिए, ये अपना सारा का सारा क्लीन कर देगा इसको। 2 मिनट भी नहीं लगने वाली आपको इसको क्लीन करने में। अगर मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ऑलमोस्ट सारा क्लीन हो चुका है ये। इसको फिर ऐसे निकाल लीजिए बाहर। अब देखिए पूरा का पूरा चमक गया स्टेनर, जो जूस स्टेनर था पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। ठीक है, इसको साइड में रख लीजिए। अब बात आती है ये जो आपका जूस कलेक्टर था, इसको क्लीन करने की बात आती है। पहले तो इसके अंदर ये जो पील वाला एरिया, ये जो ब्रश साथ में मिला है आपको, इसको ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ से पील को इसमें डाल के ऐसे बाहर निकाल दीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ से भी इसको क्लीन कर दीजिए। ये पील जो भी है सारा बाहर निकल जाएगा। अब इसमें फिर वही रनिंग वाटर के अंदर इसको ऐसे डाल देना है। ये टैब इसकी ओपन कर दीजिए। बस बहुत इजी है, इजी टू क्लीन है ये। इससे इजी मैंने आज तक कुछ नहीं देखा क्लीन करना। यहाँ पे ब्रश डाल के इसको ऐसे क्लीन कर लीजिए अच्छे से, पूरा पानी चला के आराम से अच्छे से। अभी थोड़ा सा ब्रश यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया अच्छे से, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। तो बहुत ईजी है क्लीन करना। इसको रख दीजिए और साफ़ कपड़े से इसको पोंछ के अच्छे से सुखा के फिर दोबारा से उस जूसर के ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा कूविंग्स का B1700 जूसर के बारे में जो मैंने आपको बताया। बेसिकली ये हमारा जूसर है, अच्छा जूसर है, मतलब एक प्योर फॉर्म ऑफ जूस आपको निकाल के देता है। हेल्थ ही आप चाहते हो, एक अच्छी हेल्थ रहे तो जूस ज़रूरी है पीना हेल्थ के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा ये। जूस के साथ में आप आइसक्रीम भी बना सकते हो, स्मूदीज भी बना सकते हो। उसके लिए आपको अलग से स्टेनर बाय करने पड़ेंगे, उसकी वीडियो मैं जल्दी ही ले जाऊंगा। तो मेरी तरफ से ये वॉर्थ है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो और बहुत अच्छा जूस है ये। ठीक है, चलिए। और फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। कूविंग्स ब्रांड का है ये, मतलब ये एक मार्केट लीडर है कूविंग्स कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी के अंदर। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जूस की जो इनकी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये मार्केट लीडर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू सो मच।